अगर आप अपने लाइफ में किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो तो पहले उसे आपको मैनिफेस्ट करना होगा। आप सबसे बस इतना ही कहना चाहते हो कि हमारी एक ज़िंदगी है, हमें आराम से अपने जीवन को खुश होकर के जीना चाहिए। मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। मेंटल हेल्थ वो चीज़ है कि कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल हेल्थ से जुड़ी होती, और हम फिजिकल हेल्थ पर जितना ध्यान देते हैं शायद ही मेंटल हेल्थ पर उतना ध्यान नहीं देते, और बाद में वही वजह होती है हमारे फिजिकल हेल्थ खराब होने की भी। तो ऐसे में आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं पूर्णिमा मिश्रा, जो कि एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं और एक साइकोथेरेपिस्ट भी। उनसे आज हम कुछ बेसिक नॉलेज जानेंगे हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में। तो पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हजारीबाग अपडेट्स में। थैंक यू सो मच मानुष्वी पाठक और हजारीबाग अपडेट की आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और लोगों को जागरूक करने के लिए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कि लोग कैसे अवेयर हों अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि पूर्णिमा जी, अभी के जनरेशन में हम एक बहुत कॉमन टर्म सुनते हैं, एंगर इश्यूज़, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी बातें, ये सारे वर्ड्स हम लोग पहले नहीं सुनते थे, पर अभी ये वर्ड्स बहुत कॉमन हो गए हैं। तो पहले ये प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, पर अब ये बहुत कॉमन है। तो इसके पीछे की क्या वजह है, क्या कारण है इसके पीछे का? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न अभी ये है कि लोगों का लाइफस्टाइल, लोग किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। हमारा सोशल मीडिया हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे कंटिन्यू ऐसे ऐसे अपडेट्स आते हैं, लोग ऐसा ऐसा चीज़ देखते हैं जिससे दिखावे पे लोग ज़्यादा जाते हैं। अभी एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, कंपटीशन की वजह से लोग स्ट्रेस और एंजाइटी को ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो ये सब मेन रीज़न यही है, और सबसे बड़ा रीज़न है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू बोला जाता है कि अभी मेंटल हेल्थ के ऊपर में काफ़ी, क्योंकि बार बार रील को स्क्रॉल किया जाता है, और रील को स्क्रॉल करने की वजह से हमारा इमोशन भी अप डाउन होता है। कभी हैप्पी रील आता है, कभी सैड रील आता है, तो हमारे इमोशन भी अप डाउन होते हैं, जिस वजह से हम स्ट्रेस एंजाइटी का सामना कर रहे हैं। तो आपने सोशल मीडिया को वजह बताया। अच्छा, लोग इससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, लोग इससे हील कैसे कर सकते हैं? अपने डेली रूटीन को सही करें, मेडिटेशन करें, डेली एक घंटे के लिए मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, इसको ऐड करें, डीप ब्रीदिंग करें। कुछ नहीं, लोग अब आज सांस भी लेना भूल गए हैं। सांस किस तरीके से लिया जाता है, लोग इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान नहीं देते। अगर लोग डीप ब्रीदिंग के ऊपर भी ध्यान दें तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा लोग के मेंटल हेल्थ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक समस्या आती है एंगर इश्यूज़ की, आजकल के यूथ्स, आजकल के यंगस्टर्स में सबसे ज़्यादा देखने को ये मिलती कि लोग कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। क्यों आता है, इस चीज़ के पीछे क्या कारण है आजकल एंगर इश्यूज़, और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये बताइएगा। देखिए, कंट्रोल करने के लिए आपको 444 एक टेक्निक होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेंटल हेल्थ को अगर कंट्रोल करना है तो आप डीप ब्रीदिंग के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो आप 444 टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 4 सेकंड तक आपको गहरी लंबी सांसें लेनी होती है, 4 सेकंड तक अपनी सांस को होल्ड करना होता है, और 4 सेकंड के लिए अपनी सांस को छोड़ना होता है, और फिर 4 सेकंड के लिए आप रिलैक्स करें। इससे आपका एंगर इशू कंट्रोल हो सकता है। तो ये आपने एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल करने का प्रोसेस बता दिया। अच्छा, हमने मेंटल हेल्थ की बारे में तो बात कर ली, हमने एक बहुत बड़ा टर्म सुना है, और आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसे बता पाएंगी। मैनिफेस्टेशन कहा जाता है कि ये एक ऐसा टर्म है जिससे पूरी दुनिया हमारे मुट्ठी में आ जाती, इस बात पर कितनी सच्चाई? देखिए, मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है, और ये साइंटिफिक प्रूफ किया हुआ चीज़ है कि अगर आप अपने लाइफ में किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो तो पहले उसे आपको मैनिफेस्ट करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए कि जब बल्ब बना, तो पहले बल्ब जिस इंसान ने इन्वेंट किया तो उसके दिमाग में पहले बल्ब का आया होगा, उसके बाद वो रियलिटी में आया। इसी तरीके से हमारा कोई भी विश है या कोई भी डिज़ायर है, वो पहले हम अपने माइंड में बनाते हैं, उसके बाद इसमें सबसे पहला चीज़ होता है सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग पॉजिटिव वे में है और सही तरीके से किया हुआ है, आपका विश को आपने रियलिटी में महसूस किया है, तो वो फिर आपके लाइफ में आएगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी होता है वही आपकी रियलिटी में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ऑडियंस को बताइए कि मैनिफेस्टेशन का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया के बारे में आपने बताया, तो सोशल मीडिया में हम लोगों ने देखा है कि ऐसा करो तो ये विश पूरी हो जाती है, लेकिन आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप एक सही डायरेक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को।
सबसे पहला तो आपको पॉजिटिव होना होगा, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सोच लिए, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग है, तो आपका वो विस आपके सामने में आ जाए। आपको इसके लिए अपना वाइब्रेशन को सही रखना होगा, और सबसे पहले वाइब्रेशन के ऊपर ही हम लोग काम करते हैं, फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं और रियलिटी में फील करते हैं कि वो चीज़ हमारे पास है। जहाँ हम लैक सो करते हैं वहाँ पे वो चीज़ हमारे लाइफ में नहीं आती है, हमें उस चीज़ को ऑलरेडी अपने हाथ में अपने लाइफ में फील करना होता है, तभी हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, लाइक मैनिफेस्टेशन करने का कोई तरीका होता है क्या? आप जैसे करना होता है कि नहीं, आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करो तो सोचना तो है ही, सोचना तो है ही, लेकिन इसका प्रोसेस क्या होता है, किस समय में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? जी मानुष्वी, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन टेक्निक का यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारी पावरफुल टेक्निक है, जैसे 369, ये निकोला टेस्ला के द्वारा बताया हुआ टेक्निक है, 3x33 टेक्निक है, ये सारे मैनिफेस्टेशन के टेक्निक है। तो ये आप किस तरीके से आप इसका यूज़ करते हैं, जैसे मैंने 369 बताया, तो 369 में है कि आप मॉर्निंग में जब भी उठो तो 3 बार अपनी विश को अपनी डायरी में लिखो, और साथ में आपको उसे प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है और आपको थैंकफुल होना होता है उसके लिए। फिर आप दोपहर के टाइम में उसे 6 बार लिखो और फिर रात में 9 बार लिखो। इस तरीके से आप 41 डेज़ या 21 डेज़ का टारगेट लेकर के आप अपने विश को कंटिन्यू अपनी डायरी में मेंटेन कर सकते हो, इससे आपका विश मैनिफेस्ट ईजिली होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही नेसेसरी नॉलेज दी है हमें और हमारी ऑडियंस को भी। आप एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारी एक ज़िंदगी है, हमें आराम से अपने जीवन को खुश होकर के जीना चाहिए। क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन में खुश होने का एक छोटा सा रीज़न ढूंढ करके हमें अपने जीवन को खुश होकर के बिताना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूर्णिमा जी। तो पूर्णिमा जी से हमें बहुत सारी नेसेसरी नॉलेज मिली मेंटल हेल्थ के बारे में, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसके पीछे की वजह क्या होती है, इसे हम हील कैसे कर सकते हैं, इसे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, एंगर इश्यूज कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में हमने जाना, मैनिफेस्टेशन को हम कैसे अपने लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं ये भी हमने जाना। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।